अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हो रियाज किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मलाई सीख कबाब हांडी बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाली है। तो आप वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए, ताकि आपके भी मलाई सीख कबाब हांडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ज़बरदस्त बने। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले कबाब बनाने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 kg चिकन। चिकन मैंने लिया है बोनलेस, जिसको मैंने बहुत अच्छे से धोकर इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लिया था। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब जाएंगे इसमें कुछ मसाले। मसालों में जाएगा खुश्क धनिया, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, लहसुन अदरक पाउडर, और इसमें जाएगा नमक। कॉर्नफ्लोर जाएगा इसमें, जो इसकी बाइंडिंग के काम आएगा। इसके अलावा यहाँ एक मीडियम साइज प्याज को मैंने अच्छे से चॉप करके इसका पानी बहुत अच्छे से निकाल दिया था। और ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ हम यूज़ करेंगे प्याज की पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च, और इसमें जाएगी क्रीम, जो इसमें हम एंड में यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कबाब की मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 अदद चॉपर, उसमें जाएगा बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में कटिंग कर लिया, ताकि चॉप करने में आसानी हो। इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच नमक, या आपके टेस्ट के मुताबिक। लहसुन अदरक का पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच, और इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। तकरीबन तमाम मसाले हमने 1-1 खाने का चम्मच इसमें ऐड किए हैं। और अब इसमें जाएगी एक मीडियम साइज़ प्याज, जिसको चॉप करके हमने उसका पानी बहुत अच्छे से निकाल लेना है। ये स्टेप बहुत अहम है, अगर इसमें पानी रहेगा तो कबाब टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ हम 1 खाने का चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह आप चाहें तो 1 ब्रेड स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे, और इस तरह से इसको बिल्कुल पेस्ट की तरह हमें इसका मिक्सचर चाहिए। इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और अब इसको बहुत स्पाइसी सा फ्लेवर देने के लिए 3 से 4 हरी मिर्च लेंगे, जिनको चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, और तब तक हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। जिसके लिए लेंगे एक पैन, उसमें जाएगी प्याज की पेस्ट, जो कि मैंने 2 अदद मीडियम प्याज को 1 गिलास पानी, 1 खाने का चम्मच नमक और 1/2 खाने का चम्मच हल्दी डालकर बहुत अच्छे से पानी खुश्क होने तक कुक कर लिया था। ये जाएगा एक कढ़ाई में, और इसमें जाएगा 1 कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च, जिनको हम बारीक अच्छे से कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको कुक करते हुए यहाँ 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जाएंगे मसाले। मसाले इसमें वही जाएंगे जो हमने कबाब में ऐड किए थे, जिसमें है 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और साथ ही 1/2 गिलास पानी डालकर इसको कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे। और तब तक हम कबाब तैयार करेंगे। यहाँ कबाब के मिक्सचर को पड़े हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। इसको हम अच्छे से हाथ से बहुत अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। कुछ देर इसको पड़ा रहने से, एक तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पाइसेस जो हैं वो चिकन में मिक्स हो जाएंगे, और सेकेंडली इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब हम लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जो हाथ को लगाएंगे, और सीखों के बजाय हम एक स्ट्रॉ का यूज़ करेंगे, जिससे आज हम सीख कबाब बनाएंगे। क्योंकि सबके पास सीखें नहीं होती, इसलिए मैं स्ट्रॉ ले रही हूँ। स्ट्रॉ तो तकरीबन हर घर में ही होता है, तो आप इससे बहुत आसानी से सीख कबाब रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको स्ट्रॉ पे लगाते हुए कबाब की शेप दे लेंगे। कबाब का साइज़ हम गोला कबाब से थोड़ा सा साइज़ में इसको बढ़ा रखेंगे, और इस तरह से तमाम सीख कबाब बनाकर रेडी कर लेते हैं।
यहाँ हमारे हाफ जो सीख कबाब हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम लेंगे एक पैन, उसमें जाएगा कुकिंग ऑयल जिसको हम मीडियम लो आंच पे गरम कर लेंगे और अब इसमें कबाब को फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही ये फ्राई होना स्टार्ट होंगे ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये अपने साइज में फूल कर डबल हो गए हैं। अब हमारे कबाब जो हैं हाफ कुक हो गए हैं। अगर आप इनको फ्रीज करना चाहें इनको निकाल कर ठंडा करें और ज़िपलॉक बैग में डालकर आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। ये 2 से 3 माह के लिए महफूज रहेंगे। कबाब को फ्राई करते हुए हम फ्लेम को मीडियम लो आंच पे ही रखेंगे ताकि ये अंदर से बहुत अच्छे से कुक होए। इनको तकरीबन 20 मिनट लगे हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अब हम इनको एक दूसरी डिश में निकालते जाएंगे और इसी तरह से जो बाकी के कबाब हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए यहाँ हम टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि पहले से ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म है, इसलिए इसको हम और भी ज़्यादा लो आंच पे कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ हमारे सीख कबाब जो हैं वो सारे बनकर रेडी हो गए हैं। इनको हम एक साइड पे रखेंगे और तब तक जो हमने ग्रेवी रेडी की थी उसमें बहुत अच्छे से पानी खुश्क हो गया है, उसको एक ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसमें जाएगा 1/2 कप दूध और 1/2 पैकेट क्रीम और इसको हम बहुत अच्छे से ग्राइंड करके इसकी पेस्ट रेडी कर लेंगे। और जिस पैन में हमने कबाब फ्राई किए थे उसी ऑयल में इस ग्रेवी को ऐड करेंगे और इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही ग्रेवी जो है कुक होना स्टार्ट होएगी इसमें हम कबाब भी ऐड कर देंगे और साथ ही इनको हल्का सा हिला देंगे। अगर आपको यहाँ पे ग्रेवी जो है वो थिक फील हो तो आप इसमें 1/2 कप दूध और ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी हमने 1/2 पैकेट क्रीम यूज़ की है, इसमें फुल पैकेट क्रीम यूज़ होगी। जो हम हाफ वाली क्रीम है उसको बाद में ऐड करेंगे। अब इसमें 1/2 कप मैंने दूध और ऐड किया था ताकि ये बहुत अच्छे से कुक होकर सॉफ्ट हो जाएं और इसको हम 15 मिनट के लिए कवर करके मज़ीद पकाएंगे। यहाँ इसको कुक होते हुए 15 मिनट हो गए हैं, इसको अब हम खोलेंगे और बाकी की जो 1/2 पैकेट क्रीम है वो इसमें ऐड कर देंगे और क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम सिर्फ 5 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे, इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे ताकि हमारे जो सीख कबाब हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मलाई जैसे नरम रहें। तो चलिए इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कुक करते हैं और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। तो कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी साइड पे आना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए यहाँ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल मलाई जैसी सॉफ्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन सीख कबाब हांडी बिल्कुल बनकर रेडी है। यकीन जानिए ये इतनी टेस्टी बनती है कि कोई भी इसको खाने से हाथ नहीं रोक पाएगा। तो चलिए इसको थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, टमाटर और हरा धनिया और कुटी लाल मिर्च के साथ गार्निश करेंगे। आप भी इस ज़बरदस्त रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें।
और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मज़े मज़े के खाने बनाकर अपनी फैमिली को खिलाते रहिए। तो फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।